हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द ट्राइब इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस। और आज हम बात करने वाले एक ऐसे सिलेबस के बारे में जिसका जनरली बहुत स्मॉल होता है, लेकिन ये सेंटेंस लोकल सेंटेंस से ज़्यादा फॉर्मल वर्डिंग में चलता है। फॉर्मल वर्डिंग जैसे कि मैं जो चैप्टर कराने वाला हूँ, उस चैप्टर का नाम है लाइकली टू। और चैप्टर की जो वैल्यू है वो उसका साउंड इज की वैल्यू को दर्शाता है। वो है एक साउंड का नाम है संभावना है। जब भी हमें संभावना वर्ड यूज़ करना होता है, जैसे कि इस बार अच्छी बारिश होने की संभावना है, प्रधानमंत्री की 2 दिनों के लिए यूरोप जाने की संभावना है, इस बार मेरे अच्छे नंबर आने की संभावना है, इस तरह के जो वर्ड हम यूज़ करते हैं, इस चैप्टर का जो वैल्यूबल बनाता है वो बनाता है उसका साउंड। जैसे मैंने कहा लाइकली टू, क्योंकि जब भी हम संभावना वर्ड यूज़ करते हैं तो या तो हम मे लगा लेते हैं, कुड लगा लेते हैं, पॉसिबिलिटीज़, चांस, ऐसे वर्ड यूज़ कर लेते हैं, लेकिन सबके सब अलग साउंड निकालते हैं। जैसे कि अगर हम कैन कुड की बात करें तो सकता का साउंड, मे का बात करें तो सकता का साउंड, पॉसिबिलिटीज़ या उम्मीद चाहिए जैसे साउंड इसमें आते हैं, लेकिन किसी भी सेंटेंस में एक्यूरेट साउंड नहीं आता जिसका नाम है लाइकली टू संभावना का साउंड। संभावना वर्ड ही है, इसमें संभावना का साउंड आता है। जैसे कि अगर मैं बोलता हूँ इस साल अच्छी बारिश होने की संभावना है, तो संभावना अभी लोकल वर्ड में इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि लोकली हम इतने हैवी वर्ड हम इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन जनरली स्पीकिंग के अंदर ना करते हुए, लेकिन और फॉर्मल की बात करें, फॉर्मल राइटिंग की बात करें, तो उस वर्ड का हम इस्तेमाल काफ़ी करते हैं। तो इसलिए चैप्टर काफ़ी काम का हो जाता है फॉर्मल राइटिंग के अंदर या फॉर्मल बोलने के अंदर। तो चैप्टर जैसे मैं आपको कराने वाला हूँ आज लाइकली टू, और उसमें साउंड आता है संभावना है का साउंड। ये वर्तमान के लिए है, तो उसका इस्तेमाल कैसे करना होता है देखते हैं एक बार। इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस में इज एम आर प्लस में लाइकली टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस में ऑब्जेक्ट। बिल्कुल सही। नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस में इज एम आर नॉट प्लस में लाइकली टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। ये भी एक इन्फिनिटिव का पार्ट है। तो अगर मुझे बोलना पड़े इस साल, या मैं कहता हूँ वर्षा होने की संभावना है, बारिश होने की संभावना है, तो मौसम के लिए हम इट का इस्तेमाल करते हो। मैं यहाँ पे लगाता हूँ इट, इट के साथ आप देखिए इज एम आर में क्या लगेगा, इजी लगेगा, तो इट इज़ लाइकली टू रेन। आज अगर मैं जोड़ता हूँ कि आज बारिश होने की संभावना है, तो इट इज़ लाइकली टू रेन टूडे, इस तरह इस्तेमाल करेंगे। नेगेटिव में तो इट इज़ नॉट लाइकली टू रेन टूडे, आज बारिश होने की संभावना नहीं है। तो बड़ा सिंपल सा वाक्य है। अगर मैं कहता हूँ आज उसके यहाँ आने की संभावना है, तो ही इज लाइकली टू कम हेयर टूडे, नहीं तो ही इज नॉट लाइकली टू कम हेयर टूडे। बहुत सिंपल है ना। अगर इसी को मैं आपको इंटरगेटिव में कन्वर्ट करता हूँ, यानी क्वेश्चन बनाना चाहें इसके, तो हम हेल्पिंग वर्ब को पहले लेके आएंगे, सब्जेक्ट को बाद में कर देंगे। तो ये इज एम आर पहले आ जाएगा, प्लस में सब्जेक्ट प्लस में लाइकली टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में इज एम आर प्लस में सब्जेक्ट नॉट लाइकली टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। तो आप क्वेश्चन बनाना चाहेंगे तो कैसे बना पाएंगे, क्या आज बारिश होने की संभावना है, तो क्या हुआ, इज इट लाइकली टू रेन टुडे, या फिर इज इट नॉट लाइकली टू रेन टुडे। डब्ल्यू शैवली में वही प्रोसेस, क्या आज बारिश आने की संभावना क्यों है, बारिश आने की संभावना कितने बजे है, कब है, ऐसे वाक्य बोलना पड़ेंगे। तो हम डब्ल्यू शैवली में वाई, वेयर, व्हेन, विद हुम, एट व्हाट टाइम जैसे वाक्य लगाएंगे और साथ में इंटरोगेटिव के फॉर्मेट को जोड़ देंगे, हमारा बन जाएगा डब्ल्यू शैवली का कॉन्सेप्ट भी। इसी तरीके से अगर हम इसी को पास्ट में कन्वर्ट करते हैं, तो इज एम आर की जगह लग जाएगा वाजवर, यानी कि सब्जेक्ट प्लस में इज एम आर यानी वाजवर, तो सब्जेक्ट प्लस में वाजवर लाइकली टू वर्क की फर्स्ट प्लस में ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस में वाज वर नॉट लाइकली टू वर्क की फर्स्ट प्लस में ऑब्जेक्ट, यानी कि अब क्या होगा, इसको पास्ट में कन्वर्ट कर पाएंगे हम, यानी कि आज बारिश आने संभावना थी, तो इट वाज लाइकली टू रेन टूडे, या फिर इट वाज नॉट लाइकली टू रेन टूडे। इसी को अगर हम कन्वर्ट करते हैं फ्यूचर में, तो यहाँ पे विल या शैल आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ड बदल जाएगी, यानी इज मार हट गया, वाज वर हट गया, अब आ जाएगा विल या शैल बी, तो इट विल बी Likely to rain today, आज बारिश होने की संभावना होगी, या it will not be likely to rain today। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट, तीनों के तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, प्रेजेंट भी, पास्ट भी, फ्यूचर भी, बस हेल्पिंग वर्ब बदलते जाएं, बाकी सब कुछ सिमिलर रहता है। तो ये है हमारा आज का चैप्टर। जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ, बहुत ही फॉर्मल वर्ड है, फॉर्मल स्पीकिंग में यूज़ होता है। इसको कराने की वजह यही है कि बच्चे हमसे कई बार पूछते हैं इस तरह के लोकल वर्ड्स जो ना होते हुए भी काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करे जाते हैं, तो इस तरह के वर्डों को बोलने के लिए भी काफ़ी मदद कर सकता है। तो आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए, थोड़ा सा जनरल नहीं है, कॉमन वर्ड नहीं है, क्योंकि इसका इस्तेमाल हम लोकल हिंदी में नहीं करते हैं, लेकिन काम का चैप्टर जरूर कहूँगा कि काफ़ी काम का चैप्टर है। तो प्रैक्टिस करें और जनरली इसको स्पीकिंग में भी यूज़ करा करें। मैं बार बार कहता हूँ मेरे अपने सारे स्टूडेंट्स से कि बिना प्रैक्टिस करे आप स्पीकिंग में नहीं फ्लो बना सकते हैं, बिना फ्लो के आप इंग्लिश एक्टिव और एक फ्लुएंट होके ना बोला नहीं जाता, जिस कहते हैं एकदम फ्लो के साथ बोलना, वैसा इतना आसान नहीं हो पाएगा बिना प्रैक्टिस करें। तो ज़रूरी है कि आप इसे प्रैक्टिस में भी लाएँ, जनरली स्पीकिंग करें, प्रैक्टिस के साथ साथ जब आप पाएंगे कि आपकी झिझक भी निकलती रहे निकलती जा रही है। आई होप ये चैप्टर आपको क्लियर हुआ होगा, और मैं आपको इसी तरह से छोटे छोटे चैप्टर जो दो दो तीन तीन मिनट के चैप्टर हैं और आपकी स्पीकिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, मैं आपके सामने लाता जाऊंगा। तो आज की क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें,
वीडियो को लाइक करने के साथ साथ हमारे बेल आइकन को भी क्लिक करते रहें ताकि नई नई वीडियो जो आपके सामने आएंगी उनके अपडेशन आपको मिलते रहें। तो आज की क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जल्दी मिलते हैं दूसरी क्लास को लेकर आपके लिए। बाय बाय।